संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि बैराज जो था, आईटीओ बैराज की खास तौर पर बात की जाए तो वहां के गेट ना खुलने के मामले में ये एक्शन लिया गया है। मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के दो इंजीनियर इन चीफ आपको बता दें जांच करेंगे और 24 घंटे का उनको समय दिया गया है कि आप 24 घंटे के अंदर सभी पहलुओं की गहनता के साथ जांच करें और फिर रिपोर्ट सौंपें। आईटीओ बैराज की आपको बता दें कि 32 गेट थे और इन 32 गेट में से 5 गेट नहीं खुलने की बात सामने आई थी, जो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि ये 5 गेट नहीं खुले थे और इस वजह से दिल्ली में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, हालात खराब हो गए। आईटीओ बैराज के इन गेटों की अगर बात की जाए तो इन 5 गेटों में खासतौर पर आपको बता दें हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है इन्हें संभालने की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हरियाणा सरकार पर इसे लेकर सवाल उठाते नजर आए थे। तो अब इस मामले में एक्शन ले लिया गया है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ये 24 घंटे के अंदर सभी पहलुओं की गहनता के साथ जांच करेगी और जांच के बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है।